हाय गाइस, मैं अजय लाइट एंड शेडो के इस चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि फ़ोटोशॉप के बारे में मैं अपनी नॉलेज आप तक पहुँचा सकूँ, आपसे शेयर कर सकूँ। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर फॉर एवरी वीडियो। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे ट्यूटोरियल की, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ फ़ोटोशॉप में पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो की एक्शन किस तरह से क्रिएट की जाती है और फ़ोटोशॉप में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ क्रिएट कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं फ़ोटो ओपन कर लेता हूँ। फ़ोटोज़ ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे और मैं इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये इमेज मेरी ओपन हो चुकी है। तो जो कि हम एक्शन क्रिएट करने वाले हैं, तो हमें एक्शन पैनल का एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। एक्शन पैनल आप विंडो मेन्यू में जाके एक्शंस या पे से एक्टिव कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट कीबोर्ड पर आपको ऑल्ट F9 प्रेस करना है, जिससे ये एक्शन का पैनल आपका एक्टिव हो जाएगा। अब हम एक्शन पैनल में एक सेट क्रिएट करेंगे। सेट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्रिएट न्यू सेट का सिंबल दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको नाम दे देते हैं पासपोर्ट। अब हमारा सेट क्रिएट हो चुका है। एक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर दूसरा सिंबल दिया गया है क्रिएट न्यू एक्शन का, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये न्यू एक्शन का टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगेन मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ 3.5x4.5। ये हमारा क्रॉपिंग का साइज़ है इस इमेज के लिए इन सेंटीमीटर्स। अगर आप इस एक्शन को कोई शॉर्टकट की देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, या आपको समझो इस शॉर्टकट की के साथ कोई सपोर्टिंग की ज़रूरत है तो वो भी आप यहाँ से शिफ्ट या कंट्रोल, ये दोनों में से कोई भी चूज़ करके दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं कोई शॉर्टकट नहीं दे रहा हूँ, तो मैं ये नन कर लेता हूँ। और अब हम रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले हमें इस इमेज को क्रॉप करना है। क्रॉप करने के लिए हम क्रॉप टूल का यूज़ करने वाले हैं। क्रॉप टूल एक्टिव करने के लिए कीबोर्ड पर सी प्रेस करना है। इस तरह से आपका क्रॉप टूल एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद हम क्रॉप टूल के प्रॉपर्टी में आएंगे और यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन, ये वाला ऑप्शन। और मैं साइज़ यहाँ पर इंसर्ट करूँगा 3.5 cm, क्योंकि वैल्यू सेंटीमीटर में है। ओके, 4.5 cm। और रेजोल्यूशन हम सेट करेंगे 300। और दोस्तों याद रखना है कि इसका जो रेजोल्यूशन यूनिट है वो हम पिक्सल्स पर इंच पर रखेंगे, इस तरह से। तो इस तरह से मेरा क्रॉपिंग का जो साइज़ है वो मैंने सेट कर लिया है। लेकिन मुझे इस इमेज में पर्टिकुलर एरिया की ज़रूरत है, पूरी तरह से पूरी इमेज की ज़रूरत नहीं। जितना आपको लगे उतना आप इस क्रॉप टूल में उतना पोर्शन सेलेक्ट कर ले, इस तरह से। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो इस तरह से ये इमेज क्रॉप हो चुकी है। आप देख सकते हो इमेज बहुत छोटी नज़र आ रही है। इसे फिट टू स्क्रीन करने के लिए हम कीबोर्ड पर कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, जिससे ये इमेज बड़ी नज़र आएंगी। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो इस लेयर का कन्वर्जन हो चुका है नॉर्मल लेयर में। तो इसे हमें बैकग्राउंड में कन्वर्ट करने के लिए लेयर मेन्यू में आना है, न्यू और बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो चुका है बैकग्राउंड लेयर में। दोस्तों मुझे इसे एक स्ट्रोक अप्लाई करना है, इसके इर्द गिर्द एक ब्लैक लाइन क्रिएट करनी है, इसलिए मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, जिससे ये इमेज पूरी तरह से सिलेक्ट हो चुकी है, सिलेक्ट ऑल हो चुकी है। इसके बाद एडिट मेन्यू में आना है, स्ट्रोक, और मैं स्ट्रोक विड्थ रखने वाला हूँ 1 pixel। कलर होगा मेरा यहाँ पर चूज़ करने के लिए, इस पर क्लिक किया मैंने, फ़िलहाल तो मैं ब्लैक ही रखता हूँ। ओके, और लोकेशन हम रखेंगे सेंटर। ओके प्रेस किया मैंने, कंट्रोल डी करके इस सिलेक्शन को डीसेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। कंट्रोल डी प्रेस किया मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे बारीक एक लाइन आ चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से मेरा पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो क्रॉपिंग हो चुका है। अब मुझे इस इमेज को 6x4 के कैनवस में सेट करना है। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल ए करूँगा, जिससे सेलेक्ट ऑल हो जाए इमेज। उसके बाद फिर मैं कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ, जिससे ये इमेज कॉपी हो जाएगी। अब हम नया कैनवस क्रिएट करेंगे 6x4 का। तो न्यू कैनवस क्रिएट करने के लिए आपको कीबोर्ड पर प्रेस करना है कंट्रोल एन। ये न्यू डॉक्यूमेंट का टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये यूनिट इंचेस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और इसकी विड्थ सेट करेंगे हम 6, हाइट करेंगे 4 और रेजोल्यूशन रखेंगे 300। इसका भी हमें पिक्सल पर इंच यूनिट रखना है,
और मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ। तो इस तरह से ये कैनवस मेरा क्रिएट हो चुका है। दोस्तों मैं मूव टूल एक्टिव कर ले रहा हूँ। मूव टूल एक्टिव करने के लिए शॉर्टकट है कीबोर्ड से वी। जब आप वी प्रेस करते हो तो आपका मूव टूल जो है वो एक्टिव हो जाता है। अब हम कंट्रोल वी प्रेस करेंगे जिससे ये इमेज यहाँ पर पेस्ट हो जाए। इस तरह से ये इमेज यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है और मैं मूव टूल के हेल्प से इसे यहाँ पे सेट कर लेता हूँ अकॉर्डिंगली। जैसा आपको चाहिए आप वैसा पोजीशन कर सकते हैं। अब मुझे इस इमेज की मल्टीपल कॉपी क्रिएट करनी है। तो मल्टीपल कॉपी करने का सिंपल तरीका है, एक याद रखना है कि आपका मूव टूल एक्टिव हो और आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आपका मूव टूल का जो कर्सर है वो ड्वेल हो जाएगा ब्लैक एंड वाइट में। इस तरह से दिखाई देने पर आपको इमेज पर क्लिक करना है और सिंपली ड्रैग करना है। दोस्तों चांसेस है इस वक्त आपका हाथ ऊपर नीचे हो जाए या इमेज का अलाइनमेंट गलत हो जाए। तो ये अलाइनमेंट बरकरार रखने के लिए आपको प्रेस करना है शिफ्ट, जिससे कि ये इमेज ऊपर नीचे ना नहीं हो पाएगी अगर मेरा माउस का क्लिक ऊपर नीचे भी हो गया तो। इस तरह से मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ इसको। एक और कॉपी करेंगे हम। अब हम इन सारे लेयर्स को एक में मर्ज कर लेंगे। तो एक लेयर में कन्वर्ट करने मर्ज करने के लिए आपको इन सारे लेयर को सेलेक्ट करना ज़रूरी है। फिलहाल मेरा लेयर वन कॉपी थ्री ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ और डायरेक्टली लेयर वन पर क्लिक करूँगा जिससे ये सारी लेयर मर्ज हो जाएंगी, सेलेक्ट हो जाएंगी, सॉरी, जिससे ये सारी लेयर सेलेक्ट हो जाएंगी। अब मैं कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ जिससे ये लेयर मर्ज हो जाएंगी। अब मैं इसे मूव टूल से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ जिससे कि ये सारे के सारे फोटो प्रॉपर विजिबल हो जाए। आप एरो की का भी यूज़ कर सकते हो इसको एडजस्ट करने के लिए। अब मैं लेफ्ट एरो की का यूज़ कर रहा हूँ जिससे ये प्रॉपरली सेट हो जाए इस तरह से। तो अभी हमें इसकी एक और कॉपी क्रिएट करनी है। तो फिर से मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ, क्लिक करेंगे हम लोग और ड्रैग करेंगे। ड्रैग करते वक्त शिफ्ट प्रेस करना है जिससे कि अलाइनमेंट गलत ना हो। तो इस तरह से दोस्तों ये मेरा कॉपी हो चुका है, इतने इमेजेस मैंने कॉपी कर लिए। फिर से हम इस लेयर को फ्लैटन कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। तो मर्ज करने के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल और ई। कंट्रोल और ई प्रेस करने पे आप देख सकते हो ये एक लेयर में कन्वर्ट हो चुका है। दोस्तों फिर भी ये अलाइनमेंट कुछ ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा सा ऊपर की ओर लग रहा है। तो मैं दोनों लेयर को सेलेक्ट कर लूँगा, लेयर वन कॉपी थ्री और बैकग्राउंड। यहाँ पे मूव टूल के प्रॉपर्टी में आने के बाद आप देख सकते हो अलाइनमेंट का यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमें दिया गया है। तो मैं यहाँ पर ये जो सेकंड ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा जिससे ये अलाइनमेंट प्रॉपरली सेट हो जाएगी। और ये हॉरिजॉन्टल भी हम कर लेते हैं जिससे कि अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट हो जाए। इसके बाद मैं इस लेयर को मर्ज कर लेता हूँ कंट्रोल ई प्रेस करके। तो इस तरह से हम हमारे एक्शन फॉर्म कर सकते हैं। तो अब मैं ये एक्शन स्टॉप कर लेता हूँ। दोस्तों अभी हम इस एक्शन को दूसरे इमेज पर अप्लाई करेंगे जिससे हमें पता चले कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा भी है या नहीं। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल ओ करता हूँ और हम कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये। और हाँ दोस्तों एक स्टेप मिस हो गया, एक याद रखना है आपको, पासपोर्ट में आप जब एक्शन फॉर्म कर लेते हो तो ये जो क्रॉप का ऑप्शन चेकबॉक्स दिया है इसको आप क्लिक करके एक्टिव कर ले, जिससे कि फ़ोटोशॉप आपको पूछे कि इस इमेज में कितना पोर्शन आपको क्रॉप करना है। तो ये याद रखिए कि आपका क्रॉप के सामने का जो ये बॉक्स है ये एक्टिव रहे हमेशा। तो अब हमने इमेज ये ओपन कर ली है। मैं आता हूँ 3.5 4.5 के सेक्शन पर और अब हम प्ले बटन प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हो फ़ोटोशॉप ने झट से पूछ लिया कि आपको क्रॉपिंग का पोर्शन कितना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये सेट कर लेता हूँ इस तरह से। सपोज़ मुझे इतनी पोर्शन की ज़रूरत है। आप वंस आपने ये सेट कर लिया तो एंटर प्रेस कर दीजिए। बाकी आपका पासपोर्ट का जो साइज़ है 6x4 का वो क्रिएट होके आपके सामने इस तरह से दिखाई देगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जिससे हम हमारी नॉलेज शेयर कर पाए।